मैम ये देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, फिर भी आज गए थे निगम के कर्मचारी हमारे बेचारे जा करके ऐसे खुद फांद कर सफाई किए हैं करने के लिए, तो ये सब चलता है सर। लेकिन क्या होता है जब ज्यादा ही यानी कि अवरुद्धपन रहेगा वहाँ पे कर्मचारी नहीं पहुँच पाते हैं। सफाई कर्मचारी प्रतिदिन जाकर काम करते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम और इस पर और गंभीरता से इस अभियान को और मुहिम बनाएंगे और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करेंगे कि खान पान में। पहले भी आप लोग कई बार दफा जो है लोगों को अवेयर किए होंगे कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, क्योंकि बहुत जरूरी होता है साफ सफाई। डायरिया तो एक बीमारी है, ऐसे लाखों बीमारियां हैं जो शरीर का प्रकोप कर सकती है। नाली काम हो, देखिए दवाई डालने से काम नहीं हो ना, दवाई डाला साहब पहली बार साल भर दो साल बाद में गंदगी। हाँ दवाई डाला, यही कारण है जिसकी वजह से डायरिया फैल रहा है। डायरिया फैल रहा है साहब, पूरे एरिया छोटी नाली है, छोटी नाली की वजह से ये सब गंदगी। आप रहवासी हैं तो अपनी पीड़ा बता सकते हैं। हाँ हम पार्षदगंज से हम बोल चुके हैं कई बार और हमारी समस्या भी चुनाव समय यही था कि भैया नाली यहाँ बनना चाहिए, सभी मोहल्ले वाले के यही मांग है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि नाली के साथ साथ हमको रोड भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सकरी नालियाँ हैं कि जब अगर हम नाली का स्वरूप देंगे तो रोड खराब हो जाएंगे, तो हम चाह रहे हैं कि वो दोनों एक साथ हो जाए। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़, आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। तस्वीर में आपको भिलाई चरोदा का इलाका मोहल्ला नजर आ रहा होगा, जहां से लगातार डायरिया के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। 18 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जो सीरियस भी हैं। डायरिया आपको पता होगा क्यों होता है, गंदगी के वजह से, गंदे पानी का सेवन हो जाने की वजह से, खान पान में गड़बड़ी की वजह से, कई सारे इसमें बात है जिसके वजह से डायरिया होती है। और इसमें आपको पता होगा मुख्य रूप से उल्टी और दस्त, ये लक्षण होते हैं डायरिया के, जो मामले निकल कर सामने आ रहे थे भिलाई चरोदा से। आपको लगातार खबरों के माध्यम से यह पता भी चल रहा होगा कौन से एरिया में कितने मामले आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है भिलाई चरोदा में लगातार केसेस निकल कर सामने आ रहे थे। तो भिलाई टाइम की टीम आज भिलाई चरोदा में मौजूद है ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए कि यहाँ पर जो माहौल है, साफ सफाई को लेकर हो, खान पान को लेकर हो, ये सारे विषय में बात करने के लिए, पानी की स्थिति देखने के लिए, लोगों से भी बात करेंगे कि ऐसा क्या यहाँ पर खाना पीना हुआ है या फिर साफ सफाई को लेकर जिसके वजह से लगातार जो डायरिया के मामले हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। पार्षद महोदय से भी बात करेंगे कि यहाँ की स्थिति जो वो लगातार देख रहे होंगे किस प्रकार से लोग यहाँ रहते हैं, और आपको सामने ये तस्वीर में जो व्हाइट चूना टाइप का नजर आ रहा होगा, ये डायरिया के बचाव के लिए दवाई छिड़की जाती है। जिन एरिया पे गंदे पानी होते हैं, नाले के पानी होते हैं, वहां पर जो कीटाणु होते हैं जिनकी वजह से डायरिया बीमारियां होती हैं, उससे बचाने के लिए पार्षद जी हमारे साथ में हैं। भैया पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है चरोदा से मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, रिसेंटली जो है 18 प्लस मामले और कुछ मामले तो सीरियस भी हैं, क्या विषय है और क्यों मतलब ऐसा मामले निकल रहे हैं डायरिया के? हमारे यहाँ के जो मामले हैं वो 9 केसेस हैं हमारे यहाँ जी, इस मोहल्ले में। इस मोहल्ले क्या में? कहा जाता है इस मोहल्ले को? इस मोहल्ले ये आपका नेहरू चौक एरिया आता है, वार्ड क्रमांक 23 के अंतर्गत है, मेरा ही वार्ड है जी। और जब से स्वास्थ्य कर्मचारियों को पता चला है कि यहाँ पे डायरिया के मरीज हैं, तब से उनका अपनी निगरानी में उनका वो करने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बकायदे उनको दवा दे करके, और अभी बच्चे थोड़े हेल्दी हैं, अभी ठीक ठाक आ गया। और अभी एक बच्ची को हम भेजे थे तो उसको ड्रिप व्रिप चढ़ा के भेजे, तो अभी लड़की स्वस्थ हो गई है। और यहाँ पे मामला पानी का नहीं है, पानी तो जो बोर से जो आता है, तो बोर से पानी साफ पानी आता है जिसके लोग सेवन करते हैं, तो पानी के अंतर्गत वो तो नहीं है। फिर भी हमने पानी को टेस्ट के लिए भेजा है, उसमें भी अगर कुछ लक्षण भेज दिए हैं, और बाकायदा जितनी भी स्वास्थ्य टीम है और सफाई कर्मी की टीम है यहाँ जो भी गंदगी है उनको साफ आफ करके गई हैं, और बाकायदा सुबह से कोई ना कोई आकर के इस चीज को विशेष ध्यान दे रहा है और करते ही जा रहे हैं। डायरिया का मुख्य कारण क्या होता है? अमूमन हम लोग देखते हैं कि गंदे पानी या फिर कुछ गलत खान पान का सेवन कर लेना, पानी में चेंज होना, या फिर आसपास के माहौल को देखकर भी गंदे नाली के जो कीटाणु उड़कर आते हैं, ये सब भी विषय देखिए होता है कि पानी भी एक कारण तो होता ही है, क्योंकि हम पानी सेवन करते हैं पूरे शरीर में पहला शक क्योंकि पानी पे जाता है। दूसरा सीक्रेट साफ सफाई होती है, अगर मान लो अगल बगल अगर साफ सफाई ना हो, या हम घर वाले जो रहवासी हैं अगर उनके द्वारा भी अगर साफ सफाई ठीक से ना हो अगल बगल का, तो वहाँ का भी वातावरण एक समय के बाद प्रदूषित हो जाता है, और वहाँ भी बहुत प्रकार के कीटाणु और जीव जंतु पैदा होते हैं। और बच्चे तो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेला कूदी करते हैं, और उनके हाथों में अगर कहीं जम्स लग गए या कीटाणु लग गया, तो वो बच्चे को समझ तो आई नहीं है, मुँह में हाथ डाल दिया, तो वो भी एक इन्फेक्शन का कारण होता है, जिससे यानी उल्टी डस्ट और डायरिया का कारण बनता है। तो ये सब कारण बनते हैं, ताकि हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ के जितने भी रहने वाले हम उनसे भी अपील करें कि कम से कम अपने घर के आसपास थोड़ी साफ सफाई रखें, गंदा वातावरण ना रखें, ताकि बच्चे बीमार ना हो। बिल्कुल, जब से ये आइए ना चलते हुए एक बार विजिट कर लेते हैं कौन कौन जगह पे साफ सफाई की गई है। देखिए अभी तो यहाँ पूरा साफ सफाई करते गए हैं जी, और इधर भी सफाई की है, और मरीज भी हॉस्पिटल से देखिए जी। आपको भी डायरिया हो गया था? अभी ये है पॉटल जगह का। हाँ कैसे हो गई, कहाँ खा रहे हो?
का खाए कौन जाना का खाए अचानक पकड़ ली सो की आ रहा है अभी से आठ मास की उल्टी होते दस्त होते ना कौन से घर आ रहे अभी सामने सामने वाले घर ठीक है पूरा जांच हो गया बढ़िया ठीक है अभी बॉटल चघाए तीन तो अभी चघा हुआ का अब ठीक लगा थे ना अभी कहा थोड़ा बहुत फिर गुरगुर करा तो भाग घर जाकर आराम करते हैं आप आराम करो धूप भी है बाहर में खड़े रहना उचित नहीं है अभी तबीयत इलाज करा क्या है तो है ना जी एक बार हम लोग विजिट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर चीजें हो रही हैं जैसे गंदगी को लेकर ये नालियाँ भी साफ सफाई रहती है नहीं ये नालियाँ बकायदा साफ सफाई होती रहती है और यहाँ पर क्या है वो कंडों का गोबर भी थोपा जाता है गोबर से जो कंडे जो थोपते हैं जैसा रखा हुआ तो उससे भी क्या थोड़ा सा यहाँ के अगल बगल ने भी बोला है कि भैया यहाँ पूरा उससे भी क्या मुर्गी उर्गी लोग जब आते हैं ना तो उसको बिखरा देते हैं जिससे वो भी थोड़ा सा गंदगी का एक माहौल बन जाता है आप जानते होंगे जो जो दाना चुगते जो चिड़िया लोग या मुर्गी लोग तो सब स्थिति सफा तो हो गया सुबह से और इधर ही पूरी सफाई चली रही है ये पानी का जांच पड़ताल भी किया गया है जितनों के घरों में जो स्टैंड लगे हुए थे जो जिन्होंने कनेक्शन को कट कर दिया है उसको मतलब जो लीकेज है उसको भी हम लोग फिर से डमी करवा रहे हैं ताकि इस लीकेज से भी पानी अंदर गंदा ना जाए जिस घर पे ज्यादा मरीज निकले हैं उसके घर के सामने का वो भी दिखा रहे थे उसको भी एक बार करीब से देख लेते हैं कि ये सब कारण होते हैं क्या जिनको डायरिया होनी थी वो हो चुके हैं लेकिन ये वीडियो देखने के माध्यम से जो लोग अपने घर के आसपास साफ सफाई कर सकते हैं वो जरूर इस पे ध्यान देंगे ये जो है ना ये इन्होंने ही बनाया ये जो है। क्या हुआ कि पानी का प्रेशर कम पानी का प्रेशर कम है करके काटते काटते बहुत अंदर तक काट तो अभी क्या है कि बच्चे यहीं पे बैठ करके पानी भरेंगे नहाते हैं तो वहाँ पे वो पानी थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो हम इस चीज को भी मना कर रहे हैं और मैं पहले इससे पहले भी मैं बच्चों को जो नहाते हैं उनको वही मना कर बेटा अच्छा तो ये पाइप जो लगा हुआ है वो पीने में भी यूज होता है पीने में यूज होता है एक बार करीब से दिखाएंगे तो क्या है चीज के लिए अभी हम पानी पीने का भी यूज होता है नहाने का भी यूज होता है लेकिन स्थिति देखोगे तो ये तबियत खराब कर सकती है ये बिल्कुल सर तो इसके लिए हमने अभी निगम की टीम से कहा है कि थोड़ा स्टैंड को उठा दीजिए ताकि मतलब जैसे ये पानी की जो जमावड़ा है वो उसके ऊपर रहे ताकि पानी उसमें फिर से वो अंदर ना जाए जिससे मतलब वो मतलब इनके घर को तो छोड़ के बाकी घरों में भी वो इन्फेक्शन पैदा ना हो और हम बच्चों को ऐसा बच्चे यहीं नहाते हैं ये बच्चों को तो हमने जब भी यहाँ से गुजरा तो बोला भी है कि बेटा ऐसा यहाँ मत मत ना हो ताकि ये पानी गंदा रिवर्स जाता है रिवर्स आता है रिवर्स आता है करके हमने मना पहले से भी किए हैं और आज भी हम मना कर रहे हैं क्योंकि आज तो प्रत्यक्ष रूप से आपको डायरिया का प्रकोप दिख ही गया है अधिकारी भी आ रहे हैं तो हम इनको और मना कर रहे हैं और अब तो बिल्कुल यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको भी बोल रहे हैं कि इसको तो हम उसको उठा दे रहे हैं स्टैंड को लेकिन गंदा ना करें कम से कम ताकि पानी का प्रेशर ठीक है कम है लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान रखें पानी का प्रेशर कम है लेकिन अंदर जा रहा है ये अंदर जा रहा है दिक्कत की बात है जी और इसके पहले भी आप लोग कई बार दफा जो है लोगों को अवेयर किए होंगे कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें क्योंकि बहुत जरूरी होता है साफ सफाई डायरिया तो एक बीमारी है ऐसे लाखों बीमारियां हैं जो शरीर का प्रकोप कर सकती है सर सफाई के लिए हम सबको एग्रेसिव करते हैं लेकिन क्या है सबका कहना ही आता है कि आप निगम करेगा लेकिन क्या होता है सर निगम का तो दायित्व है सफाई करना जी लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी कुछ सफाई करें अच्छा ये अभी जांच के दौरान ही साफ सफाई की गई है यहाँ पर नहीं यहाँ पे वो जितने वो थे ना वो जो लीकेज वाले स्टैंड हाँ। सबको आने की डमी कर दे रहे हैं जी। ताकि वो यहाँ पर भी हाँ। है और अभी जितने भी लीकेज वाले जो हैं स्टैंड ये नालियों को भी टाइम पे साफ किया जाता है नालियाँ टाइम पे सफा होता है लेकिन होता क्या है कि बच्चे लोग जो दिन भर जो पाउच खाते हैं झिल्ली वाले वो भी वो नाली में डाल देते सफाई होती है अब देखिए सभी गंदगी देखे इससे मच्छर का इनका कहना था कि ये मच्छर यहाँ ये सभी रहवासियों से अपील भी होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे चाहे वो अपने क्षेत्र के ही हो निगम का काम फिर भी आता है लेकिन उससे पहले अपनी जिम्मेदारी अपने घर को साफ रखने की खुद थोड़ा सा अगर स्वयं जागरूक भी हो जाए ना जी अंदर अभी देखिए यहाँ से कैसे करेंगे फिर भी आज गए थे निगम के कर्मचारी हमारे बेचारे जा करके ऐसे खुद फांग कर सफाई किए हैं करने के लिए तो ये सब चलता है सर लेकिन क्या होता है जब ज्यादा ही यानी कि अवरुद्धपन रहेगा वहाँ पे कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं और ये अवरुद्ध जो है अपन ही पैदा कर लेते हैं ये सब दिक्कतें होती है ये खुद जाके भी अधिकारी के पास अपील करनी चाहिए कि हमारे घर के आसपास अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो साफ सफाई के लिए अपील करनी चाहिए क्योंकि इतनी गंदगी जो सामने तस्वीर में नजर आ रही है ये अगर इसका कुछ क्षण भी आ जाए तो बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है जो डायरिया हम देख रहे हैं जी सबसे बड़ी समस्या ये सर यहाँ के रहवासी हूँ मैं सर छोटी छोटी नाली देख
आज से 20-25 साल पहले हो गया है जब से बना हुआ साडा था तब से, इसके बाद कभी इसका विकास नहीं हुआ है। और यहाँ हर हफ्ता 15 दिन में एक बार आते हैं और साफ करने के बाद में 2 दिन के बाद में भर जाता है। वैसे बीमारियां बहुत ज्यादा, हाँ सब ये सर यही देखिए सर पूरा गंदगी है। और हम उससे अपील है सर, आप लोग से अपील है कि हमारी बात महापौर तक पहुँचे कि नाली का काम मतलब अच्छे ढंग से हो। हम अपने पार्षद से अनुरोध कर चुके हैं कि नाली काम हो। देखिए दवाई डालने से काम नहीं होगा ना, आज दवाई डाला सर पहली बार, साल भर 2 साल बाद में गंदगी, हाँ दवाई डाला, यही कारण है जिसकी वजह से डायरिया फैल रहा है। डायरिया फैल रहा है सर पूरे एरिया, छोटी नाली है, छोटी नाली की वजह से ये सब गंदगी। आप रहवासी हैं तो अपनी पीड़ा बता सकते हैं। हाँ हम पार्षदगंज से हम बोल चुके हैं कई बार और हमारी समस्या भी चुनाव समय यही था कि भैया नाली यहाँ बनना चाहिए, सभी मोहल्ले वाले के यही मांग है। नाली तो पार्षद जी बना दिया लेकिन नाली की जिम्मेदारी निगम की है। निगम से अपील लगातार, पार्षद जी आप स्वयं यहाँ पर हैं तो बिल्कुल उनसे अपील करिएगा। नहीं नाली के लिए हमने इसको ना सर मैं सर्वे करवा दिया हूँ लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि नाली के साथ साथ हमको रोड भी बनाना पड़ेगा क्योंकि इतनी सकरी नालियाँ हैं कि जब अगर हम नाली का स्वरूप देंगे तो रोड खराब हो जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि वो दोनों एक साथ हो जाए। तो ये मैंने अपने इंजीनियर्स जो हैं निगम के उनको दिखा करके मैंने उस चीज की मांग कर दी है। जैसे ही इधर प्रस्ताव पारित होता है पैसे का आता है ना इसको करवाएंगे और इनसे इनको पूछ के ही कराएंगे कि कैसे काम करना आप ही बताइए ताकि चलना और फिरना रोज इनको ही है। पानी रुका क्यों हुआ है यहाँ पर? पानी रुकने कारण मैं बता रहा हूँ सर, क्या जो भी यहाँ झाड़ू करते हैं ना सारे गंदगी यहीं डाल देते हैं। अरे जो बच्चे दिन भर जो रेपर्स जो खाते हैं जो भी चॉकलेट सब यहीं डाल देते सर। निगम वाला सफाई करके जाता है, अरे 2 दिन के बाद ये सारे जो जाम लगते हैं वो झिल्लियों के कारण लगते हैं। निगम अपना काम तत्परता से हर समय करती है लेकिन हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो दिन भर कुरकुरे उरकुरे कुछ ना कुछ तो खाते हैं, वो झिल्लियों को डाल देते हैं और उस पूरा नाली में सर देखो कुरकुरे की झिल्ली या किसी न किसी चिप्स की झिल्ली आपको मिलेंगी जिससे ये जो ऐसे आकर के फंसती है और फिर पानी के जमाला बन जाता है। लेकिन जैसे ही इनके फोन आते हैं तो फिर हम सफा करवाते भी हैं, ऐसा नहीं निकालते लेकिन बड़ी नाली की इनकी मांग है वो तो कराएंगे इस तरह, वो चीज एकदम प्रायोरिटी पे होना है। अभी अगर डेटा की बात करें तो स्थिति क्या है, कितने डायरिया के मरीज निकले हैं ओवरऑल क्षेत्र में और कितने ठीक हो गए कितने घर आ गए? देखिए अभी हमारे यहाँ जो हमने अभी जो आन रेशो अभी 9 हमारे यहाँ मरीज है, चर्चा कर लीजिए। जिस मोहल्ले में डायरिया फैला है वहाँ की मितानिन दीदी मन भी हमारे साथ में मौजूद है। आप मन तो लगातार हर घर में जात हो और का अपडेट आए है अभी, कितना घर में का चलत है अभी? तो 10 तो मतलब सभी घर में हम लोग 10 का सर्वे कर रहे हैं और सभी को जानकारी दे रहे हैं कि पानी उबाल कर पीना है, सबके घर में ORS बांट रहे हैं, किसी को दस्त ना हो तो साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, हाथ धोकर खाना खाना है, मतलब साफ सफाई का ज्यादातर उनको ध्यान देना है इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। और जहाँ पे दस्त हो रहा है वहाँ मेट्रो का टैबलेट और जिंक का टैबलेट ORS वगैरह दिया जा रहा है। हाँ साथ में लेके घूमते हैं अभी है कुछ यहाँ छोड़ के गए ना आप लोग के सेंटर में ना जी। और जो मतलब थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल लग रहा है केस तो उनको रेफर भी कर रहे हैं हॉस्पिटल, हाँ तत्काल रेफर कर रहे हैं। इस मोहल्ले में जो डायरिया फैला है जिसका प्रकोप लोग डर भी रहे हैं, अब घर में जिनके यहाँ नहीं हुआ तो और ज्यादा डर रहे हैं हमारे यहाँ ना हो जाए करके, तो आप लोगों को देखकर क्या वजह समझ आ रही, क्योंकि आप लोग तो डेली सर्वे में रहते ही है, तो वजह क्या दिख रही है सामने? लोगों को उतना मतलब डर नहीं है क्योंकि मितानिन है, उनको ये लगता है कि मितानिन है तो हम लोग सेफ हैं, तो बात सच है, तो इसलिए उनके मन में उतना ज्यादा डर नहीं है क्योंकि दो प्राथमिक उपचार है। कारण क्यों कारण डायरिया फैल रहा है उसका कारण तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि कई जगह खान पान का भी मतलब दिखाई दे रहा है कि बाहरी मतलब समुद्री मछली खाए हैं उसके वजह से हो रहा है, बो रहे हैं कहीं जगह पानी मतलब नल का जो पाइप है वो फूटा हुआ है तो गंदगी के वजह से है। तो मतलब कोई हो सकता है अभी ठंड का सीजन है उसके वजह से भी हो सकता है, तो कोई एक कारण समझ नहीं आ रहा। हाँ तो ये मतलब कोई एक कारण समझ नहीं आ रहा, कोई फिक्स ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जो लोग देख रहे हैं आने वाले समय में उनको परेशानी ना हो डायरिया से बचकर हैं, तो आप मितानी दीदियों का क्या उनको वो रहेगा संदेश रहेगा कि कैसे रखना है खुद की आसपास साफ सफाई? हमारा संदेश यही रहेगा कि वो अपने घर की साफ सफाई रखे, आसपास साफ सफाई रखे और पानी उबाल कर पिए, बच्चों को भी मतलब पानी उबाल कर ही दें, टिफिन वगैरह जैसे देते हैं पानी बोतल देते हैं स्कूल में दे, ORS अगर कुछ भी दस्त होता है तुरंत तो घर में जो मितानिन ORS दी है उसको घोल कर पिए, और अगर मान लो उनके पास ORS नहीं है तो मितानिन जीवन रक्षक घोल भी बताती है जैसे कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर और 1 चुटकी नमक, हाँ वो घरेलू उपचार मतलब ORS अगर उनके पास नहीं है तो तुरंत उसको ले सकते हैं।
अमित आनी डोर टू डोर जाकर तो दवा उनको देती है। आप लोग हर घर में हाँ। आप लोगों के क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है, डर का प्रकोप है, तो साफ सफाई क्या है मतलब क्यों फैला है, कोई वजह समझ आ रही है? हाँ, यहाँ पे क्योंकि बरसात लगता है तो पूरा पानी भरे रहता सर, और यहाँ से हमारे घर अंदर कीड़ा मकोड़ा ये सब पूरा घुस जाता है, पानी अंदर बाहर जाता ही नहीं है, नाली सक्रिय नाली से। और बाकी हुआ है हाँ, बाकी ये झाड़वाड़ के कारण भी पूरा पत्ता पत्ता आता है सब। आप लोग के घर के सामने ही मंदिर है और मंदिर के पीछे की नालियां भी गंदी है, तो आप लोग कभी गए नहीं निगम में या फिर किसी के पास में कि साफ सफाई करवा दें? ऐसे तो दो तीन बार लोगों को बोलते हैं लेकिन साफ सफाई होता ही नहीं है अच्छा से। हफ्ते महीने में एक बार आते हैं सफाई करने के लिए, लेकिन वहाँ वो नाली से पानी बाहर जाता ही नहीं है, पूरा हाँ पूरा गंदगी जमा हुआ है। ठीक है। आपके यहाँ से कोई मरीज है कि? नहीं, कोई नहीं है। नहीं अभी ठीक है हम लोग। वो डेटा के बारे में बता दीजिए। जी बोलिए। हाँ मतलब कितने मरीज अभी ओवरऑल यहाँ से निकले हैं और क्या बोलते हैं कितने ठीक होकर घर आ गए हैं? देखिए अभी तो हमने देखा कि अभी 8 एक ही घर से थे, एक ही घर से 8 मरीज थे, और एक अभी आपसे बात हुई जी, वो तो अभी आ गए हैं और बताएं कि अभी मेरे को ठीक लग रहा है, और एक हमें गुड़िया से जो मिले जो बगल जो घर है उनका वो भी अभी आ गई है, तो दो लोग तो आ गए हैं, 10 अपने एवरेज में 10 हैं, दो लोग आ गए हैं, अभी 8 लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में है जो अभी स्वस्थ है, वो भी आज या कल में आ जाएंगे। ठीक है, जो दर्शक देख रहे हैं जो आपके रहवासी हैं सबसे क्या अपील करना चाहेंगे अंत में कर दीजिए? सर मैं ये चाहूंगा कि निगम का दायित्व है साफ सफाई बनाए रखना, मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि देखिए आप भी अल्लाह हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि हम भी अपने से झाड़ू उठा लें या अपने से रापा उठा के हम भी सफाई कर लें, ताकि हम सफाई करेंगे और निगम की सफाई अगर दोनों एक साथ अगर मिल जाएगी तो वातावरण पूरा साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, और इस प्रकार की बीमारियाँ इस प्रकार की तकलीफें दोबारा नहीं आएंगी। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट, आपने तस्वीरों में देखा कि कैसे जो माहौल है वो रहता है मोहल्ले का, हालांकि नालियों से ज़्यादा जो है खान पान में भी आपको ध्यान देना है, आपके आसपास की साफ सफाई में भी ध्यान देना है। भिलाई चरोदा का ये ब्रेकिंग न्यूज़ था कि 18 से ज़्यादा मरीज जो है वो अस्पताल गए थे। सर स्वास्थ्य विभाग के लोग आए थे, उन्होंने जाँच पड़ताल की तो उन्होंने क्या कुछ बताया? उन्होंने अभी जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी जो आए थे और अभी भी घूम रहे हैं वो आपका ओआरएस का घोल और जो दवा है वो हर घरों में दे रहे हैं, और पानी को बॉयल करके पीने के लिए भी उन्होंने हिदायत दी है कि अभी कुछ दिन तक आप पानी बॉयल पीजिए, ताकि अगर पानी के से भी अगर इन्फेक्शन कुछ पैदा होता है तो कम से कम कीटाणु मर जाएंगे बॉयल करने से। तो और आपका ओआरएस का घोल दे रहे हैं और दवा भी देते जा रहे हैं, मैसेज उन्होंने दिया, नहीं दवाई भी दी है और मैसेज भी दिया है कि आप थोड़ा सा अपने आसपास भी सफाई रखिए, और ये ओआरएस का घोल को आप बाकायदा बच्चों को पिलाइए, और दवा दिए हैं जिसको आप पानी में डालिए और बॉयल करके पानी पीजिए। ठीक है, उन्होंने बाकायदा अपनी जिम्मेदारी से काम करके गया है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ओआरएस और जो साफ सफाई है उसमें भी बिल्कुल ध्यान दें, और इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। साफ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है, किसी के भरोसे ना बैठे, कम से कम अपने घर की साफ सफाई रखें ताकि आपके घर तक बीमारी ना पहुंच सके। इसके अलावा जो आगे अपडेट होगा भिलाई चरोदा को लेकर, डायरिया को लेकर, आपको लगातार बताते रहेंगे। ये खबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। सर बताएंगे निगम क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप पाया गया है, पूरा क्या है? अभी एक परिवार का कल आया था ये सूचना, और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है और उसमें से लोग रिकवर कर लिए हैं, और बाकी जो है उनका चल रहा है इलाज। स्थिति डॉक्टर से मेरी बात होने को पता चला कि स्थिति सामान्य है, और उसके लिए हमारी पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की और लगी हुई है, पूरी स्थिति सामान्य है। सफाई का समुचित ध्यान दिया जा रहा है, और पूरी हर दिन हमारी टीम निकलती है, सफाई कर्मचारी प्रतिदिन जाके काम करते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम और इस पर और गंभीरता से इस अभियान को और मुहिम बनाएंगे, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करेंगे कि खान पान में वो किस तरह की सावधानी बरते, इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम और डॉक्टरों की टीम भी लगी हुई है।